जलाभिषेक कराया जाए। जनपद मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भवापार में बाबा मुंजेश्वरनाथ मंदिर से शिव भक्तों का अटूट नाता रहता है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार के दिन बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे शिव भक्तों ने बाबा मुंजेश्वरनाथ का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक आदि कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ऐसा माना जाता है कि देवों के देव महादेव को प्रिय श्रावण मास है। श्रद्धालु इस माह में शिवालयों में जलाभिषेक और पूजन अर्चन कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए मुंजेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी संजय गिरी ने बताया। कितने की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, क्या मान्यता है? अब तक कम से कम 2000 शिव भक्त पहुंच चुके हैं। 4:30 हो रहा है, 12 बजे आसपास से रात से 2000 से ऊपर शिव भक्त पहुंच चुके हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी आप मनोकामना मांगते हो वह पूर्ण होती है। किस तरह से उत्पत्ति हुई थी, कुछ बता पाएंगे? उनकी उत्पत्ति मूंज से हुई थी। खेत था, खेत में झाड़ झंकार उसको काटा जा रहा था, उसी में से निकले सर्प के रूप में और इनके सर पे कुदाल का लगा। कुदाल लगने के बाद खून की धारा बहने लगी। उसके बाद राजा मुंज थे, उनको स्वप्न दिखाई दिया कि हाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनवाइए, वह बनवाए मंदिर। इनका नाम बाबा मुंजेश्वरनाथ है, मुंज से निकले हुए थे, इसी नाते इनका नाम मुंजेश्वरनाथ पड़ा। और ये बहुत पहले हमारे इसका इतिहास कोई बता ही नहीं पाया अभी तक, तो बताते हैं लोग हमारे पूर्वज लोग कि उन लोगों के पहले से ये है। तो यहाँ राजा होरी सिंह रहा करते थे, तो राजा जी मूस का खुदाई कर चल रहा था, बहुत ज़्यादा झाड़ी जंगल था, मूस था, खुदाई चल रहा था सफाई का। तो उसमें एक मजदूर ने फावड़ा मारा, सर पे एक शिवलिंग से टकराया, दूध की धारा बहने लगी। तो फिर वो देखा ये तो शिवलिंग है, उसका राजा साहब को जाकर बताया। तो राजा साहब फिर आए देखे उसका, इसको खुदाई करवाने के बाद फिर वो रात को जब सोए तो सुबह सपना है कि मैं यहाँ शिव जी हैं, ये इसको जोड़ोद्धार कराया। उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पे सब लोग आने लगे, जलाभिषेक करने लगे, धीरे धीरे मान्यता बढ़ गई। और यहाँ का एक खासियत एक चीज़ है, यहाँ पे इतनी बड़ी ये वृक्ष है, बहुत बड़ी दोनों वृक्ष है। अभी तक कई बार आधी तूफान आया लेकिन इससे किसी की क्षति नहीं हुई। बताते हैं लोग कि ये पेड़ एक बहुत मोटा सा डाल था, बहुत काफी तेजी से बारिश आधी तूफान आया, उसके बावजूद भी यहाँ पे उसके पुजारी लोग थे, उसका जब आधी तूफान खत्म हो जाने के बाद जब लोग चले गए तो एक मोटी सी डाल जैसे झोला रखते हैं वैसे गिरता है, उसे कोई